Hi viewers, this is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Nadeem Umar, CEO of Umar Group of Companies and Quetta Gladiators. सर, वेलकम टू आवर शो. इट्स अ प्लेजर कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हम बहुत एक एक्साइटिंग जो है कॉन्वर्सेशन करने के लिए वी लुकिंग फॉरवर्ड. तो सबसे पहले टू स्टार्ट ऑफ, हमें बताएं कि एक जो कहते हैं ना प्रोफेशनल जर्नी, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ? पहले तो थैंक यू, आप आए हैं और डिस्कवर पाकिस्तान ग्रेट चैनल हम लोग बड़े शौक से देखते हैं. थैंक यू. एंड आप लोगों को इस न्यू वेंचर जो है अंडरटेकन, इसका आई थिंक पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत थी, तो इट्स ग्रेट इंट्रोडक्शन. जहाँ तक आपने हमारी बात करी कि हाउ डिड वी स्टार्ट एक्चुअली, तो वी वर आई वाज इन द मर्चेंट नेवी व्हेन आई वाज 18. आई वेंट टू द मरीन एकेडमी, वहाँ दो साल हमने उधर किया. फिर एट अ वेरी यंग एज जहाज़ों पे चले गए, बट द पैशन वाज ऑलवेज टू कम होम एंड जॉइन द फैमिली बिजनेस. नॉट नेसेसरली अपने अब्बा के बिजनेस, बिकॉज उस जमाने में एक होता है ना कि हम अब्बा से अच्छा करके या यू नो द यंग ब्लड लेके, हाँ वो हम नॉट हिज बिजनेस, आई डू माय ओन बिजनेस. तो वो एक था ज़रा सा, बट इवेंचुअली मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई, तो हम लोग फिर आई लेफ्ट द मर्चेंट नेवी एंड फिर पाकिस्तान इधर बिजनेस में आ गए. तो हम लोग का बेसिकली कंस्ट्रक्शन में बिजनेस था, बट स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन. मेरे जो दादा थे और ये सब, इन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान में बहुत काम किया. अच्छा. कराची में जो हम पानी पी रहे हैं वो सब अभी तक उसी लाइन से आ रहा है. डमलोटी, दोज लाइंस स्टिल देयर. इसी तरह एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये बनाए इन्होंने स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग. माय फादर वाज अ वेरी गुड सिविल इंजीनियर, उनके पूरे, तो वो उसको देखते हुए, बट मैं क्योंकि मर्चेंट नेवी में चला गया, कप्तान हो गया, तो आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू. तो फिर हम लोगों ने ऐसे ढूंढते ढांढते फिर मिनरल्स में, माय फादर इन लॉ वाज अ जियोलॉजिस्ट, ही एडिनबरा से उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था 1952 में. तो वो उन्होंने मुझे हमें इस तरफ लेके आए. और आप यकीन करें, मिनरल जो है ना पाकिस्तान का, मैं हमेशा कहता हूँ, वो भी यही कहते थे कि हम कर्जा उतार सकते हैं पाकिस्तान को, वी आर सो रिच इन मिनरल्स. सही. इनिशियली ये इट वाज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन, जो उमर ग्रुप ऑफ कंपनीज कह लें. इनिशिएशन कहाँ से हुई? आपके फादर ने इस कंपनी को शुरू किया? हमारे जो दादा थे, दादा ने जी किया. जी, उनके मामू. अच्छा. खलील उमर साहब, अजीज उमर साहब, ये लोग दे वेरी फेमस पीपल इन द सेंस दैट वन वाज, दे वर नॉट नेसेसरली ऑल इंजीनियर, क्योंकि सब बड़े पढ़े लिखे, कोई बॉटनिस्ट थे. अच्छा. कोई और उस जमाने में हमारी जो दादी थी, अब्बू की खाला, वो जहाज उड़ाती थी उस जमाने. दे हाँ, मतलब दे वर रियली आउटगोइंग पीपल. हाँ, इट वाज अ फिल्म. हम लोग तो देखते थे इन लोगों से बड़े इंस्पायर, दे वर ऑल जायंट्स. और इन्होंने जब पाकिस्तान आए, इन्होंने पूरा पाकिस्तान की लाहौर में वो जो ट्रांसमिशन लाइन, बहुत इन लोगों ने काम की. बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, तो वो सब डिवाइड हो गया, हमारी बहुत सी चीज़ें वहाँ रह गई. द कंपनी, पेरेंट कंपनी वाज उमर सन्स. उमर सन्स, तो वो जी जी, वो अभी तक द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ पाकिस्तान. जी, लेकिन कभी हम इसमें नहीं गए, ये फ्लैट बना. अच्छा, कंस्ट्रक्शन, देन मिनरल्स, देन सिलिका, देन टैल्क. जी जी, सो मच गोइंग ऑन. इस डाइवर्सिफिकेशन के पीछे मेन ड्राइविंग फोर्स कौन रहा है? ड्राइविंग फोर्स आई थिंक वो एक, हम लोगों के यहाँ सब भाइयों में और उसमें एक जस्तजू है जो जारी रहती है, टू गेट यू नो समथिंग न्यू गोइंग. ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि आपकी जर्नी, इट शुड, जब आप आँख बंद हो ना तब बंद होनी चाहिए, तो वो दैट जर्नी शुड टेक यू प्लेसेस. एक वालिद साहब एक बात बड़ी अच्छी कहते थे कि
आप दूसरे के बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। वो रोड तो बनी हुई है, जंगल में जब आप चलेंगे ना रास्ता बना के तो एडवेंचर्स बड़े मिलेंगे और उसकी ग्रैटिफिकेशन भी उसी ग्रैटिफिकेशन वो, तो इसलिए बड़ा मज़ा आता था। अभी भी हम नई बिजनेसेस को तलाश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान वी हैव डन यू नो ह्यूमन सर्विस के वी ब्रॉट इन पीपल हु आर गोइंग टू कम एंड इन्वेस्ट हियर ऑन अ बिग स्केल। ओके, इसी तरह एयरलाइंस को हम ला रहे हैं। अच्छा, कुछ जी जी तो वो सो मच गोइंग ऑन। हाँ सो मच। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि यू जॉइन द मर्चेंट नेवी और जब आपने यू केम बैक तो आपके ख्याल से क्या वैल्यू ऐड की आपने एज अ बिजनेसमैन टू योर फैमिली बिजनेस? होता ना हर एक का एक ट्रेट होता है, वो एक brings something new to the table. जी आपकी तरफ से क्या वैल्यू ऐड हुई? मेरी वैल्यू जो आई थिंक आई वॉज द बिगेस्ट रिस्क टेकर फैमिली में। अच्छा, हम लोग इस तरह, मेरे वालिद साहब ये कहते भाई जो काम हमें आता है वही करना चाहिए। हाँ। तुम किधर इधर उधर हर रोज एक नया आइडिया ले आते हो। व्हाट वाज योर फर्स्ट वेंचर? हाँ, वो हमने एक कार्ड निकाला था, डिस्काउंट कार्ड, इट वाज नोन एज द कैप्रिकॉन डिस्काउंट कार्ड। अच्छा, दैट वाज 35 इयर्स अगो। ओके, तो मैं एक नॉवल आइडिया लाया था कि वो पाकिस्तान में प्लास्टिक कार्ड्स किसी के पास होते नहीं थे। हाँ, तो मैंने कहा एक तो लोगों को बड़ा पसंद आया कि यार नाम इस पे छपा हुआ है और देन बड़ा फोरसाइटेड आइडिया था। हाँ, दैट और भी दो तीन ऐसे थे मेरे रेवोल्यूशनरी किस्म के, अनफॉर्चुनेटली वो डिडंट सरफेस। तो हम लोग दुकानों से हमने बातचीत करी पूरे पाकिस्तान में, बल्कि कराची तो ज़्यादा था। सही। तो आप जैसे आप जा रहे हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, हमने देखा इस इलाके में एक को लिए कि हमारे कस्टमर आएंगे आप 20% डिस्काउंट दे दें। लोग मुझे दुकानों से निकाल भी देते थे कि भाई क्या नया चीज़ ले आया। सो जूते आप ख़रीदने जाएँ ख़वातीन तो ओनली वन शॉप एट तारिक रोड वी टुक। तो वी सोल्ड अ लॉट ऑफ कार्ड्स, पीपल वर वेरी हैप्पी। लेकिन फिर हम कराची में हमने नया एयरपोर्ट बनने लगा तो देन वी शिफ्टेड देयर, फिर फोकस हट गया ज़रा। तो दैट वॉज माई फर्स्ट वेंचर, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। बट देन वी ट्राइड टू ब्रिंग इन मिनरल वाटर। जब मैं आज 30 साल पहले कर रहा था, लोगों ने कहा पानी बोतल में कौन पिएगा, तुम क्या पागल हो गए। तो दैट वॉज एन पैम्पर्स वॉज 30 years ago. अच्छा। लोग कहते हैं पैंपर्स कौन, तो खैर दिस इज सो इंस्पायरिंग थिंकिंग ऑफ दीस थिंग्स वे बियॉन्ड। आई थिंक यू वर थिंकिंग ऑफ ऑल दोस थिंग्स एट द रॉन्ग टाइम। एट द रॉन्ग टाइम, एग्जैक्टली। एंड पीपल कुडंट अंडरस्टैंड देन के यार ये हो सकता है। कुछ हमारे लोग चेंज को जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करते। बिल्कुल जी जी, हमें थोड़ा टाइम लगता है चीजों को एक्सेप्टेंस देने में। अच्छा, उमर ग्रुप ऑफ कंपनीज इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ टैल्क। तो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई एंड हाउ वर यू एबल टू यू नो गेट दिस माइलस्टोन बीइंग द बिगेस्ट इन पाकिस्तान? नहीं, इसका हुआ वो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे जो फादर इन लॉ थे अब्दुल हई खान साहब, डॉक्टर अब्दुल हई, उनका ये था कि वो ही वॉज इन टू मिनरल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने सारी माइंस जितनी थी बलूचिस्तान में उन्होंने उस वो बहुत उस पर काम किया और वो एक बहुत ज़बरदस्त इंसान थे वो भी, और वो ही वॉज इन द फील्ड ऑल द टाइम। तो वो पैशनेट अबाउट मिनरल्स, तो उनको देख के हमें ये ख्याल है। हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट पे ज़्यादा हम जा रहे थे। ये बेसिकली जब आपको बताऊँ टैल कैल्शियम कार्बोनेट, ये फिलर्स होते हैं इंडस्ट्री में। ये आप इसको आसान अल्फाज में बताएं ताकि आसान ऑडियंस, जैसे आप ये पेंट है ना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी है, टैल्क भी है। ओके, अब ये फिलर्स हैं, आपका जो डैशबोर्ड बनते हैं ना उसमें टैल्क जाता है। अच्छा, मुझे तो मेकअप के लिहाज से पता है कि मेकअप में भी टैल्क वही है। एग्जैक्टली, दैट इज द सेम टैल्क, लेकिन आप उसको माइक्रोनाइज करते हैं, यानी बारीक कर देते हैं डाउन टू 2 माइक्रोन। वो इतना बारीक हो जाता है, उसको इंजेक्ट करते हैं आप उसमें नोड्यूल्स में, और फिर वो आप इंजेक्ट करते हैं उससे वो चीज़ें बनती हैं। तो ये दुनिया में इसकी बहुत डिमांड थी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नोबडी वाज लुकिंग एट इट। हम कैल्शियम कार्बोनेट पूरी दुनिया में बहुत है, टैल्क इज वेरी रेयर। ओके, गुड टैल्क वो अफगानिस्तान में बहुत है, पाकिस्तान में बहुत है। पहले हम 2 कंटेनर्स करते थे, अब माशाल्लाह शिप लोड जाते हैं, थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ टैल्क। बट वी हैव उसको डाउन स्ट्रीम करके हमने इटालियन कंपनी के साथ यहाँ पे
एक प्लांट लगाया विच इज द बिगेस्ट इन एशिया और इंशाल्लाह अब हम फाइनल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे मैनेज करते हैं एक कह लें सस्टेनेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द बिजनेस? नहीं, आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि हमने सारे जो वेंचर्स के बड़े सक्सेसफुल हुए, वी फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। वो जो नजर आता है ना पीछे उसके बड़े फेलियर्स भी होते हैं। लोग एक फेलियर से डर के भाग जाते हैं, तो वो फेलियर्स दे डोंट काउंट इन योर लाइफ, दे ओनली स्पर यू ऑन। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए कहते हैं, तो आपको फेलियर से डरना नहीं चाहिए। वारिस साहब यही कहते थे कि आप जो है ना अगर सीख लें अपने फेलियर से तो बस यू हैव अचीव्ड अ लॉट। तो हम लोग मेरे बेटे भी माशाल्लाह सब हम हमारे साथ हैं, सो वी हैव अ वेरी गुड फोर्स। ओके, एंड सबसे बड़ी बात माय वाइफ इज वेरी सपोर्टिव ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। सब बिजनेस में तंग भी आ जाती हैं कभी कभी, बट शी सपोर्ट्स एवरीवन, तो वो एक बहुत हमारे लिए अच्छा है। हाँ, सारी भाभियां सारे वो दे आर ऑल इनटू दिस, तो हर वक्त बिजनेस की यहाँ बातचीत होती है तो सबको कभी कोई चिढ़ के नहीं कहता कि आज बिजनेस की बात नहीं। हाँ, नहीं वो इतना भी नहीं होती। हाँ वो होती है, आप सही कह रहे हैं, कम्स अ टाइम कि हर वक्त ये बात नहीं होनी चाहिए। तो खैर वो, बट वी हैव अदर एवेन्यूज। हम लोग गाने का सबको बहुत शौक है। आई थिंक वो क्रिएटिव स्ट्रीक आपके फादर से आप लोगों में है ना? जी 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 बिल्कुल, उन्होंने ही वाज अ वेरी गुड सिंगर एंड ही सैंग। आई हैव हर्ड यू सिंग रियली वेल टू। आई सिंग फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स। वी हैड वो पुराने क्लासिक्स थे, सैगल साहब एक होते थे, सी एच आत्मा साहब, पंकज मलिक, दे वर ओल्ड, जिन्होंने आप समझे म्यूजिक की इब्तिदा करी पाकिस्तान इंडिया में। अच्छा। पाकिस्तान जब हम भी वो यूनाइटेड, सही, तो वहाँ से शौक हुआ। अब तो सुनने वाले भी नहीं रहे, सुनाने वाले भी नहीं, अब तो काफी बदल गया, अब बदल गया। बट पीपल आर गोइंग बैक टू द रूट, वो प्योर म्यूजिक होता है। जी हाँ, क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए जब फेलियर कोई सामने आए? उस पर अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है कि तुम दिए मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मतलब द विंड दैट इज गोइंग अगेंस्ट यू, उससे डोंट वरी अबाउट दैट, ये तो तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। सही, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्या कर सकती है गवर्नमेंट या हम मिलके इन कोलैबोरेशन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जिनसे ये चीज़ें बेहतर हों? और हम वही बात है जैसे हम पहले बात करते थे, सिर्फ बात करने तक ना रहे और एक्चुअली चेंजेस आए, इम्प्रूवमेंट आए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? असल टेक है कि जीन्स पहनो और मैदान में उतर जाओ। हम लोग है ना एकेडमिकली बातें इतनी करते हैं कि यूँ कर दें। मैं देखता हूँ तबसरे टेलीविजन पे सब फिलोसफिकल। देखें आपको चाइना ने क्या किया कि उनके वो 30-40 साल चुप करके बैठ गए, जंगें हो रही हैं, नहीं हो रही, उन्होंने एक मोबाइल पकड़ा, उन्होंने कहा यार ये देखो ये क्या है, कैसे बनता है? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता कैसे बनता, उन्होंने कहा पता करो। उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी, हर चीज़ की रिवर्स इंजीनियरिंग, और उन्होंने अल्टीमेटली चीज़ें खुद बनानी शुरू कर दी। हमें कोई चीज़ ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक ऐसा फोरम हो जो आप देखें आईटी इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, नोवेयर नियर विद द सेम वर्क फोर्स। वी आर एट आई डोंट नो $2.5 billion or something, they are at $500 billion. स्क्रैबल में इंटरेस्ट कहाँ से आया, उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। हम लोगों के यहाँ स्क्रैबल भी, हमारी दादी वगैरह स्क्रैबल खेला करते हैं। फिर हम मच्छर नेवी जब मैं था तो इतने बड़े वॉयजेज होते क्या करें, वहाँ ब्रिज खेलते थे या स्क्रैबल खेलते थे। Another topic which is I think very close to your heart is cricket, and you're very very passionate about it. पहले तो ये बताएं कि interest कहाँ से develop हुआ, और I'm sure खुद भी आप खेलते रहे होंगे, and you've been the president of Karachi Cricket Club and Pakistan Cricket Club, तो थोड़ा सा उस बारे में अपना बताएं। ये भी आप समझें by default एक तरह से, but sports हमेशा मेरा passion रहा। School से ही I was interested. मैं एथलेटिक्स टीम में था, एकेडमी में आई वाज देयर, एंड बस एक शौक़ ये तो था ही अपनी जगह। एक ये था कि मैं ये हमेशा सोचता था जब हम देखते थे बाहर ओलंपिक्स में कि पाकिस्तान का कौमी तराना जो बजता था, वो दैट फीलिंग जो थी ना, वो तो टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। मैंने कहा यार कुछ हम करें, चलो हमने, मैंने जैवलिन थ्रो, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, इसमें मैं करता रहा कि
फिर हमने बहरहाल वो हो नहीं सके, मर्चेंट नेवी में एक गैप आ गया, यू नो आप बाहर होते हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब वापस आए तो हमने अपना क्रिकेट क्लब शुरू किया, छोटे स्केल पे शुरू किया। वालिद साहब बहुत नाराज़ भी होते थे, डांटे पड़ती थी, बट एज यूजुअल भाई बिजनेस पे देखो, बट वो लोग ऐसे मिलते गए हमारे, माशाल्लाह वी हैड अ गुड टीम, अ डेडिकेटेड टीम, वो मैं कहना जींस पहनने वाली टीम वो होती थी ग्राउंड में। यू हैव अ रोल टू प्ले इन द बिग नेम्स दैट वी हैव, क्रिकेटर्स जो हैं वो जी, सब आपके क्लब से खेल कर माशाल्लाह निकले आगे। इट वाज अ ग्रेट ऑनर कि सब आए, अब वो ना बिकम अ फादर फिगर समझे, इस तरह हो गया, आई डोंट वांट टू बी दैट बिकॉज़ आई स्टिल प्ले, तो जब अंकल की आई एम स्टिल प्लेइंग, अभी हम लोगों की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है। अच्छा। तो मैं शायद जाऊं बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज टू फार ऑफ, तो आई हैव बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द ओवर 60। अब आप देखें तो ये भी हो रहा है, ओवर 60 भी हो रहा है, ओवर 40 भी, वी हैव अ वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन पाकिस्तान में, फवाद एजाज खान जो हमारे मेरे रिश्तेदार भी हैं, बट ही इज हेडिंग दैट, वी आर डायरेक्टर्स ऑफ दैट, वी हैव डन अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं सब ये क्रिकेट खेल रहे हैं। सही। तो ये एक और आई थिंक दिस इज वेरी गुड थिंग, इस पर हम बहुत, इस पर भी बात हो सकती है। एंड देन कमिंग टू PSL, यू आर द ओनर ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और आई थिंक जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फॉलोअर्स और फैंस हैं बहुत एक्साइटेड होंगे आपको यहाँ स्क्रीन पर देख के। इसकी कह लें थॉट प्रोसेस, हाउ डिड दिस केम अलॉन्ग, ये अपॉर्चुनिटी कैसे बनी, कैसे आपने सोचा, मुझे वो शुरू से बताएं। लॉन्ग स्टोरी बट आई ट्राई एंड यू नो कंसाइज़ली। हाँ, वो एक्चुअली मसला ये, सेठी साहब, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन क्रिकेट, सेठी साहब बिकेम द चेयरमैन एंड इट वॉज हिज विजन के लिए, तो वो कंसल्टेशन करते रहते थे। सलमान सरवर बट वॉज गिवन द यू नो मेंटल टू कैरी फॉरवर्ड द PSL, ये कोई 10 साल से पाइपलाइन में थी। अच्छा। वो होते ही नहीं थी। अच्छा। तो सेठी साहब केम टू कराची, उन्होंने पूछा यार क्या करें, मैं कहा सेठी साहब बस करवा दें, मैं कहा कोई करवाता ही नहीं, मतलब हम तो टूर्नामेंट्स करवाते हैं इतने सारे, हम सोचते थोड़ी हैं, उन्होंने कहा नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, और होता भी यही था, सलमान भाई जाते थे बाहर पूछने, वी हैड 26 पीपल रेडी टू कम, देन लास्ट मोमेंट वी हैड ओनली 6, तो ये एक ऊपर नीचे लोग कमिट नहीं कर रहे थे इसको। सही। तो हुआ यही कि जब फाइनल बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ। अच्छा। तो टीम बड़ी महंगी थी हमारे पास, इतना पैसा, आपको मैं वालिद साहब में कहते यार ये क्या, ये किस ध्यान लग एक और टीम खरीद रहे हैं। हाँ, टीम खरीद रहे हैं। तो उन्होंने जब ये हुआ तो लोग कम हो गए, तो सेठी साहब ने कहा यार तुम भी आ जाओ बिड में, मैंने कहा सर बड़ी महंगी टीम है ये, हम किधर, ये तो खैर एनीवे, वो लेकिन टीम कम थी, हम चले गए। आई बिड फॉर कराची। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बट सलमान इकबाल साहब ही टुक कराची। ओके। आई हैड आरिफ हबीब साहब विद अस, ही आल्सो बिड फॉर कराची, बट देन वो सब फिल्टर आउट। नेक्स्ट चॉइस क्योंकि ससुराल वॉज क्वेटा, सो आई टुक क्वेटा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई टुक क्वेटा। एंड बट उसके बाद इट्स वेरी फनी प्रोसेस, जब सब बैठे हुए थे सेठ साहब कहने लगे कि यार आप सबके पीछे लोग बैठे हैं, फाइलें रखी हैं क्या है, उन्होंने कहा सर ये हमने वो बनाया हुआ कि विल दिस बी सक्सेसफुल और नॉट, तो कह रहे नदीम साहब आप ऐसे ही आ गए हैं। तो मैं कहता हूँ हम इधर से आते हैं। मैं वही कहने लगी थी कि जितने आप पैशनेट हैं आप उस प्रोसेस को तो बहुत इंजॉय करते हो, बहुत मजा, पिक एंड चूज ऑफ द प्लेयर्स, खरीदना करना, प्लान करना, इतना इंटरफेरेंस है कि सरफराज भी तंग है, मोइन भाई भी तंग है। मैं यही कहता हूँ कोच जिसको आना है, कप्तान जिसको आना है, वो ये ना समझे कि उसको फ्री रेन मिलेगा, आई विल बी देयर ऑल द टाइम, क्योंकि लीव्स ही लिए गए, क्योंकि हम लोग इतना सक्सेसफुल हो रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब इज अ बिग सक्सेस स्टोरी, वी हैव गिवन 111 प्लेयर्स टू पाकिस्तान, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स एंड 16 इंटरनेशनल प्लेयर्स विच नो क्लब इन द वर्ल्ड हैज गिवन, तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा। मैंने सर विव रिचर्ड इज अ मेंटोर, इज अ बिग नेम इन क्रिकेट, उनसे मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा सर ये बताएं कि किसी ने 16 इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए, कह रहे नहीं किसी क्लब में, हमारे एक जमाने में एक टेस्ट टीम में वी हैड 3 to 4 प्लेयर्स प्लेइंग फ्रॉम आवर क्लब। ओके।
तो वो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट ऑनर, बट ऑनर से ज्यादा यू फील सो हैप्पी कि आपका लड़का आपका वो रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. खवातीन एंड क्रिकेट, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, और क्या पोटेंशियल देखते हैं आप? अभी बिल्कुल, आपने जब हमारी पहली पीसीबी ने क्लब क्रिकेट शुरू किया तो वी ओपन्ड अप अ क्लब फॉर गर्ल्स, क्योंकि क्रिकेट कन्फाइंड टू जेंडर वो कोई बात नहीं बनती. क्रिकेट बच्चों को, बच्चियों को भी वो शौक है, तो हमने भी शुरू किया. अच्छा, व्हेन वी स्टार्टेड दिस तो क्लब देयर ओनली फोर क्लब्स, तो हमारी लड़कियां माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलती रहीं. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक शौक जो था वो डेवलप इसलिए नहीं हो सका कि ग्राउंड नहीं थे, बच्चे पेरेंट्स फिर रिलक्टेंट कि बच्चे कहाँ खेलेंगे. अब हमने एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये किया कि हमने बलूचिस्तान क्वेटा गए, और क्योंकि वी आर क्वेटा ग्लैडिएटर, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब वॉज वेरी काइंड. उन्होंने कहा, मैं कहा यहाँ लड़कियों का टूर्नामेंट करा दें. तो उन्होंने कहा ये बलूचिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि ये सुफियान हमारे, यू नो ही इज़ विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनेजर एंड ही इज़ रनिंग अ गुड शो, सारे हमारे उसको हैंडल करते हैं. तो उन्होंने कहा उधर यही कराते हैं. उन्होंने कहा यहाँ ये सिम्बॉलिक होगा. तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तो बड़ी गड़बड़ है, यहाँ औरतें बाहर नहीं निकलती, आप यहाँ टूर्नामेंट करा रहे हैं, इवेंट करा रहे हैं. वी हैड द मोस्ट सक्सेसफुल टूर्नामेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वीमेंस क्रिकेट कहीं भी. अच्छा. उसी तरह टीमें बनी, वी हैड दोज टीम. लड़कियों को हमने 7 stars 5 star होटल्स में ठहराया, उनको फीलिंग ही PSL वाली आई. अच्छा, PCB कहती है लड़कियाँ ही नहीं हैं, इतनी लड़कियाँ आएंगे, वी गोंट स्टॉप देम. और फिर लाइव वी टुक देम लाइव, क्यों, क्योंकि लोग देखें तो. अच्छा, जो चीज़ TV पे नहीं आती मैं कहता हूँ बिकती नहीं. ये प्लेयर्स जो हमारे आए, ये सारे PSL वाले लड़के, ये टेलीविजन की वजह से लाइमलाइट में आ गए. सही है. कैसे कंपटीशन को डील करते हैं? देखिए, एक चीज़ बड़ी मैं समझता हूँ, हर आदमी की ना अल्लाह ताला ने वो किया हुआ है कि कितना मिलना है. तो कंपटीशन से डर, आई थिंक कंपटीशन है ही नहीं हमारे मुल्क में. आप देखें, वो एक ज़माना था दे वॉज, यू नो, जब भुट्टो साहब थे तो 22 families, यू नो, वे वी वेंट एट दैट टाइम के सब चीज़ों को आपने तहवील में ले लिया गवर्नमेंट की. वो दैट वॉज अ बैड मूव. 22 खानदान वॉज वेरी फेमस. मैं तो कहता हूँ 22,000 खानदान होने चाहिए थे. दैट वॉज माई टेक के यार वी शुड हैव हैड मोर. देर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन पाकिस्तान. हम अकेले टैल्क में लगे हैं, 3-4 और आ गए, बट वी नीड अनदर 1,000 people इन टैल्क टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव. हाँ, देखें बात ये, लोग मुझसे एक बात ये कह रहे थे कि आप खुश हो ना, डॉलर बढ़ रहा है, आप तो एक्सपोर्ट करते हैं. मैं कहा यार एक बात सुनो, अगर मेरे बराबर वाले खुश नहीं हैं, मैं अकेले ही डॉलर बढ़ा के खुश रहूँगा तो मैं उन लोगों में रह रहा हूँ फिर जो तो डिप्रेशन में. सही है. मैं अकेला क्या खुश होऊंगा? वो मेरे जो दोस्त हैं वो तो हंस ही नहीं रहे. अब मैं अकेला किसके साथ हंसूँगा? तो ये आपकी हमारी सोच रहा कि एक्सपोर्ट में तो बड़ा भाई मज़ा तो है, बट आप मुल्क को तो देखें किधर जा रहा है. जिस दिन डॉलर बढ़ता है ना, आप यकीन करें हमें फ़ायदा होता है, बट अंदर से दिल छोटा हो जाता है कि यार ओवरऑल वेयर आर ओवरऑल द कंट्री इज कमिंग डाउन, वी यू नो द इंडस्ट्रीज आर सफरिंग. एग्जैक्टली. हम 15-20 साल में कोई होगा ही नहीं हम में से, ये नहीं सोचते. आई थिंक हर आदमी कहेगा वी आर हेयर फॉर एवर. कोई नहीं, नोबडी इज हेयर फॉर एवर. यू आर ऑल्सो अ स्क्रैबल प्लेयर ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, और अभी आप पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बन गए. स्क्रैबल में इंटरेस्ट कहाँ से आया, उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं. हम लोगों के यहाँ स्क्रैबल भी, हमारी दादी वगैरह ये स्क्रैबल खेला करती थी. अच्छा, फिर हम मच्छर नेवी जब मैं था तो इतने बड़े वॉयजेज होते क्या करें, वहाँ ब्रिज खेलते थे या स्क्रैबल खेलते थे, तो वो इंटरेस्ट होता रहा. फिर यहाँ पे 35 years ago वी हैड अ कॉम्पिटिशन, उसमें हम लोग अमेरिकन सेंटर होता था, वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, तो ऑल द स्क्रैबलर्स विच वर अराउंड 60 वी गॉट टुगेदर. वहाँ गोशपी अवारी भी थी. गोशपी अवारी हमारी प्रेसिडेंट थी, और उन्होंने अपना बीच लग्जरी होटल हमारे लिए खोल दिया था. अच्छा अच्छा. वो हम समझते थे हमारा ही होटल है. बैराम साहब, बैराम अवारी साहब वॉज वेरी काइंड, वो भी आके, गोशपी वॉज अ वेरी गुड स्क्रैबल प्लेयर. तो हम लोग, एक ज़माना था जब स्क्रैबल कोई जानता ही नहीं था, जब घरों में होता था लेकिन कोई एसोसिएशन नहीं थी. तो हमने आहिस्ता आहिस्ता टूर्नामेंट शुरू किए, उसमें 100 लोग 40 लोग 25 लोग ऐसे आते थे, डाई हार्ड स्क्रैबलर्स. देन वी एक्सपैंडेड,
गोशपी ने टुक द इनिशिएटिव. मुझे याद है वो दिन हम लोगों ने यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप कराई. इंडिया से भी लोग आए, श्रीलंका से भी आए. आई वॉज अ सेक्रेटरी और हम थानों में जाते थे कि इनका यार वीज़ा लगा दो. अच्छा. और हम दीवारों पे पोस्टर लगा रहे, पुलिस वाले आ गए पकड़ के ले गए कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं यार. तो खैर थिंग्स लाइक दैट वो इनिशियल स्टेजेस थे. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एसोसिएशन बढ़ती गई. अब गोशपी रिटायर्ड जस्ट. यू आर आल्सो एसोसिएटेड टू अ वेंचर व्हिच इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन एंड इट इज स्प्रेडिंग स्लोली एंड स्टेडली. खुद आप बताएं हमें उस वेंचर के बारे में कि अभी किस स्टेज पे है और कहां कहां तक जो है वो फैल चुका है. वो उसमें सिर्फ ये है कि हमने स्कॉलरशिप्स लोगों को चाह रहे हैं. okay. क्वेटा में, बलूचिस्तान में बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं. सही. आप देखिए उनकी एक एसोसिएशन है, फेंसिंग एसोसिएशन. okay. वो अपनी बेचारे लगे रहते हैं. अच्छा. एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड गुड फेंसर्स. अच्छा. पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं. अब उन लोगों को भी आउटलेट चाहिए, कहीं पे जाएं बेचारे. हम बलूचिस्तान के लड़के यहाँ ला के कराची में खिलाते हैं. वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एन एकेडमी क्योंकि लाहौर कलंदर वॉज गोइंग बिग. उन्होंने इतना माशाल्लाह दे स्प्रेड ऑल ओवर पंजाब. तो हमें भी वहाँ करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके बिकॉज ऑफ रीजन. तो वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एन अकेडमी. लेकिन हमने अभी स्कॉलरशिप दिए बच्चों को कि वो उनके 1.5-2 साल की पढ़ाई उसमें आए. टू द ब्राइटेस्ट के जितने भी बच्चे वहाँ हैं, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के. फिर एक हमने लड़कियों के लिए प्रोग्राम किया हुआ है फार फ्लंग एरियाज में. okay. एक एनजीओ है वो काम करना चाह रही है. अच्छा. तो उसको हम शायद आफरीदी फाउंडेशन हमारे साथ. अच्छा. आना चाह रही है. फिर देयर इज अ वेरी गुड हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल. यस, यू आर एसोसिएटेड विद दैट. उसके साथ हमें डॉक्टर बारी, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. आई मेट हिम. यू मेट हिम एंड आई डिड हिज इंटरव्यू एंड आई वुड openly say that that was one of the very monumental interviews of my life. Yeah. Because it changed my perspective. Exactly. Of thinking. Exactly. He's amazing. Kitne low profile, humble. Bilkul. Aur kya unhone kiya hai Pakistan ke liye? Aur mainstream logon ki unki shakal nahi pata. Wo pata hi nahi. Because wo aate hi nahi hai. Wo aate hi nahi. He said that I do not promote myself, I promote Indus. Exactly. And I learned that, you know, we as youngsters especially, हम अपने सर्कल में सक्सेस लेके समझते हैं बड़ी बात. एंड देन यू लुक एट पीपल लाइक हिम, सेल्फलेस. इट्स अमेजिंग. हाँ. तो वही मैं तो इंस्पिरेशन इन लोगों को होना चाहिए. इनको मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब आपको लोगों को बताना चाहिए पीपल लाइक यू एग्जिस्ट. और क्या हॉस्पिटल बना है आप देखें तो इट्स एन अमेजिंग. हमने लाहौर का देखा है. लाहौर का हॉस्पिटल आई वॉज हैड द एक्सपीरियंस एंड इट ब्लू माई माइंड अवे. इट लुक्ड लाइक अ 7-star होटल एंड आई थिंक इट वॉज समथिंग जिसमें हर क्लास का बंदा जाए और वो सोचे कि हर तरह की फैसिलिटी, एमेनिटी, ग्रैंड, क्लीन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विसेज एंड नो कैश काउंटर्स. ब्यूटिफुल. आप यही तो देखें ऐसे लोग हमारे पास हैं. एंड व्हाट अबाउट व्हेन यू फील वेरी स्ट्रेस्ड आउट, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड गो एंड डू एंड फील रिलैक्स्ड? कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप करना पसंद करें? आई थिंक आई बीन वेरी फॉर्चुनेट इन द सेंस के एक तरह से जैक ऑफ ऑल ट्रेड था. तो गाना भी गाते हैं तो गाना सुन लेते हैं, गाने गा लेते हैं. वी हैव फ्रेंड्स, हमारे यहाँ महफिल हो जाती है, वी डू दैट. फ्यूचर प्लान्स क्या चल रहे हैं? वी आर इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग सम फॉरेन एयरलाइंस. ओके. नॉट नोन. ओके. और अभी हम इंशाल्लाह पाइपलाइन में वो आ रही हैं. सही. और एक हमने शुरू भी कर दी है उसके साथ. खैर, सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल इन टू शो देम द गुड फेस लाइक यू आर डूइंग. सही. आप यकीन करें आप लोगों का प्रोग्राम देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं. तो ये इंस्पिरेशन चाहिए हमें. विदाउट ऑल दिस नेगेटिविटी गोइंग अराउंड, वी नीड टू बी, यू नो, वो कहते हैं योगा की टेक्निक्स होती हैं टू काम योर सेल्फ. उसमें ये डिस्कवर पाकिस्तान देख लो. तो आई थिंक इतना सरीन है, यू नो, इट्स अमेजिंग. आई हैट्स ऑफ टू यू गाइस. तो बहुत मज़ा आता है वो देख के. हमारे इतने मल्टीपल इस किस्म के शोज़ हैं जो हमारे इन्वेंटर्स हैं और जो पाकिस्तान में चीज़ें बन रही हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं सो दैट यू नो वर्ल्ड कैन सी आवर पोटेंशियल कि हम वी आर मोर देन व्हाट द वर्ल्ड सीज अस एज. डेफिनेटली. एंड मूविंग ऑन, एनी डिसीजन दैट यू हेट टेकिंग प्रोफेशनली?
या आप सोचते हैं ये मैं ना लूँ, ये मेरा कोई एम्प्लॉय ले ले? ये हाँ एक्चुअली नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। हम लोग की एक बुरी आदत है, हर डिसीजन में हम खुद ही घुस जाते हैं कि, है ना, तो वो एक वो होता है कि शायद ये ना कर सके, प्रॉब्ली हमारे जूनियर हमसे अच्छा कर सकें, माय एम्प्लॉय वुड। मेरी एक आदत है, हमारी कोई भी वो मीटिंग होती है मैं सबको ही बुला लेता हूँ, बिकॉज वो मशवरा आपको कोई भी अच्छा दे सकता है, इवन यू नो द गाय स्वीपिंग योर, यू नो ही हैज हिज ओन ऑब्जर्वेशन एंड समटाइम्स दे आर सो गुड। तो हमें बहुत सी इंस्पिरेशन ऐसी जगहों से भी मिलती हैं। आपकी इंस्पिरेशन, हु हैज दैट पर्सन बीन? दैट पर्सन डेफिनेटली आई से माय फादर। सबके लिए फादर्स आर यू नो टावरिंग फिगर्स, बट दिस गाय जैसे मैं आपको टुक द केक। अच्छा, ही वाज वेल वर्स्ड इन एवरी लैंग्वेज। ओके, ही वाज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड द काइंडेस्ट हार्ट इन द वर्ल्ड, और लेकिन उसके साथ बड़ा मिजाज सर्द भी था। अच्छा, डाई हार्ट पेट्रियट। अच्छा, टू द लास्ट, अब पाकिस्तान को किस तरह क्या करना, वी हैड दैट, उनकी वजह से इन्फ्लुएंस आप लोगों के अंदर है बिल्कुल। हाँ, और कभी भी वो पाकिस्तान के अलावा कोई बात ही नहीं होती थी। तो आई थिंक वो जो उनकी एक अच्छी बात थी, द होल फैमिली यूज टू टेक हिज एडवाइस। अच्छा, वाई? बिकॉज बड़े बैलेंस थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, कभी वो बड़े था, बट एवरीबॉडी वाज स्केयर्ड ऑफ हिम। ओके, ही हैड दैट नैक कि कोई ज्यादा आज तक डांटा नहीं, लेकिन वी वर ऑल स्केयर्ड ऑफ हिम। रोबिक था वो, बिकॉज ही वाज नॉट 6 foot 1, ही वाज आई थिंक 60 foot समथिंग लाइक दैट इन आवर आईज। तो वो इंस्पिरेशन थे, एंड वो हमेशा ये कहते थे कि भाई दुनिया देखो और दुनिया को पाकिस्तान में बसाओ, दैट इज व्हाट योर मोटिवेशन। सच अ नाइस फ्रेज। तो वो ही वाज ऑलवेज फुल ऑफ एनेक्डोट्स, इतने किस्से कहानियाँ, तो उनके पास महफिल ही लगे। मेरी वालदा भी ऐसी थी, वो भी शी वाज ऑलवेज, इस घर में इस वक्त अगर वो होती तो आप इंटरव्यू भी नहीं ले सकते, देयर वुड बी 40 पीपल हियर। अच्छा, तो आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड लाइफ। यू हैव बीन फॉर्चूनेट, वेरी फॉर्चूनेट, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, lots of technical, professional questions, a bit of light-hearted questions so that we can get to know more about you. Mujhe bataye, for you, what is your idea of happiness? I think the idea of happiness is people around you being happy. That is happiness, true happiness. Dusra, agar aap bimar nahi hai na, to the world is yours. Sahi baat hai. आई थिंक हेल्थ जो है ना वो इज द रियल, छोटा सा फ्लू हो जाता है ना, एग्जैक्टली, यू स्टार्ट हिटिंग एवरीथिंग, एग्जैक्टली, लेट अलोन बिग क्रॉनिक डिजीजेस, तो दैट इज कंप्लीटली ट्रू। हां, तो वही मैं कहता हूं, अल्लाह ताला अच्छी हेल्थ, जान है तो जहान, जान है तो जहान, तो वो इज नंबर वन प्रायोरिटी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ख्याल नहीं करते, इंक्लूडिंग मी, हम, मेरे वालिद साहब वाज अ क्रॉनिक वॉकर। अच्छा, फॉर 50 years ही वॉक्ड, दमाम में वो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, इट वाज अराउंड 52 degrees, ही वाज वॉकिंग, तो गाड़ियां रुक के पूछ रही थी, सर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया आपको? अच्छा, ओ वॉक, तो कम क्या कहें, हेल और हाई वाटर ही वुड वॉक। तो हम में भी वो आया, मेरे बेटे में आया है, मेरे भाइयों में, बट मुझ में जरा सा, बट यू प्ले, यू हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन, हम क्रिकेट में निकाल लेते हैं सर, जी जी। तो आई थिंक हैप्पीनेस इज गिविंग, यू नो, happiness to others and making others happy. Others happy. और मुझे बताएं कि गुस्से के तेज हैं या माइल्ड हैं या मैनेज कर लेते हैं? अफसोस है कि गुस्सा आता नहीं, आता ही नहीं, आता ही नहीं, बड़ा कम, बहुत कम। क्रिकेट में आ जाएगा कभी, यार ये क्यों हारे, आई मीन दैट इज नॉट गुस्सा, वो इमोशन होता है ना उस टाइम। तो यहाँ हमारे यहाँ वैसे औरतों की हुकूमत है, तो आप घर पे तो गुस्सा कर ही नहीं सकते, तो दैट इज, हाँ, बट गुस्सा नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। मैंने, आप वो कहते हैं ना, आप वो जो बात किसी ने कही थी कि जो बात, थंडर डज नॉट ग्रो द ग्रास, ओनली अ शावर वुड डू दैट, रेन वुड डू दैट। तो आप अपनी बात को जो करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत जोर गरज के आप करें, आप आराम से भी कर सकते हैं, बट पीपल शुड टेक यू सीरियसली। And what about when you feel very stressed out? What is that one thing that you would go and do and feel relaxed? कोई ऐसी activity जो आप करना पसंद करें? I think I've been very fortunate in the sense के एक तरह से jack of all trades है, तो गाना भी गाते हैं, तो गाना सुन लेते हैं, गाने गा लेते हैं, we have friends,
हमारे यहाँ महफिल हो जाती है, वी डू दैट, शेर व शायरी हो जाती है, वो आपका रिलैक्सिंग आउटलेट है, रिलैक्सिंग है। माशाल्लाह माय वाइफ शी इज आल्सो इनटू शायरी, तो वो मेरी टीचर भी है एक तरह से। वो मुझे तो इतनी उर्दू अच्छी नहीं आती थी, तो उन्होंने ज़्यादा सिखाई, तो खैर वो उनसे गपशप हो जाती है। फैमिली इज यू नो फैमिली बॉन्डिंग बाहर में ज़्यादा नहीं निकलता, जो कि गलत बात है, जाना चाहिए। तो बट दैट फैमिली का बड़ा मजा है, वी ऑल द ब्रदर्स आर टुगेदर, सो यहीं महफिल लग जाती है। सो आई थिंक उसी तरह क्रिकेट खेल लिया, क्रिकेट देख लिया, टेलीविजन, मूवीज, तो दैट इज। एंड एनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन दैट इज रियली क्लोज टू योर हार्ट और यू लव गोइंग बैक अगेन एंड अगेन? जहाँ पे हिस्ट्री बहुत है ना, वो मुझे बहुत मज़ा आता है। आई बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द मर्चेंट नेवी, देन वी ट्रैवल्ड अ लॉट, बट आई थिंक जिस तरह मुझे लंदन में मज़ा है कि उसकी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर है, हाँ वो हमसे रिलेटेड भी है ना थोड़ा, बिल्कुल, आवर फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर्स एंड व्हाट वी वेंट थ्रू। दूसरा आप इटली चले जाएँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री, आप एथेंस चले जाएं या रोम, और इटली ऐसे लगता है उसी हालत में, वैसे ही वैसा ही है, वही आप उसकी देखें ना, क्या 6000 साल की हिस्ट्री, हम उनको आके सिंध क्लब दिखाते हैं, सॉरी 200 साल पुराना, तो हंसते हैं, अरे 200 साल वहाँ, 6000 पे मेरे जो पार्टनर है उनका जो दफ्तर वहाँ पे है इटली में, वो 700 साल पुराना। वाओ, तो अब आप सोचें क्या प्रिजर्व किया हुआ उन्होंने अपने हेरिटेज को। आई थिंक द बेस्ट डेस्टिनेशंस आर वेयर हिस्ट्री इज अटैच्ड। और पाकिस्तान में कोई फेवरेट स्पॉट हो आपका? हाँ, मैंने पाकिस्तान इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बट लेटली आई हैव बीन इन लव विद लाहौर, लाइक आई टोल्ड यू, पंजाब हैज यू नो बहुत तरक्की करी है, लाहौर इज सो ब्यूटीफुल एट द मोमेंट, इट्स डेवलप्ड क्वाइट, हमारा नॉर्थ, आई हैव बीन टू द नॉर्थ, बट उस जमाने में लथिया गली एंड ऑल ऑफ दैट, हां वो देखी हुई है, बट नॉट एट दैट टाइम, एंड अब सुना बहुत ही अच्छा हो गया, टाइम ही नहीं मिला, बट जाना चाहिए। अब तो लोग भर भर के नॉर्थ जा रहे हैं, अब तो आप देखिए ना, हुंजा, स्कर्दू, ये इतने एक हॉट स्पॉट्स बन चुके हैं, व्हिच इज अमेजिंग, व्हिच इज गुड आल्सो, वन गुड थिंग दैट द पेंडेमिक डिड फॉर अस इज कि हमने अपने टूरिज्म को अटेंशन दी, व्हिच इज, सो दैट इज वेरी नाइस। अभी तक की जो आपकी ये एक जर्नी रही है प्रोफेशनल, उससे आपने क्या सीखा? प्रोफेशनल एंड या ओवरऑल? ओवरऑल लाइफ जर्नी। हां ओवरऑल, आई थिंक आई हैव बीन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड मैन ऑन द प्लानट। वो किस सेंस में मैं कह रहा हूँ, आई वॉज द एल्डेस्ट इन द होल फैमिली, तो इतना लाडला था कि हर आदमी बस वो लाड होते थे, तो मेरे वालिद साहब टिल टुडे ही ऑलवेज अभी तक मुझे कहते हैं भाई नदीम को बस ज़रा संभालें, बगैर अबू हम लोग भी तो हैं, तो वो दैट ब्लेसिंग, तो माय यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे ऑल लुक अप टू मी, वो बड़े, वो हमारे दोस्त इतने अच्छे, वो तो ये इतना खूबसूरत बुके बना हुआ है कि मुझे लगा ही नहीं कभी कि यार इससे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई, क्रिकेट टीम हमारी चल रही है, पैशन जो है वो आपका बिजनेस बन गया, यू डूइंग समथिंग अ लिटिल कंट्रीब्यूशन वॉट एवर फॉर द कंट्री, तो बाहर आप, एंड अल्लाह ताला ने आपको दिया जो मर्जी करें, नॉट मैनी पीपल आर ब्लेस्ड विद दिस, द वाटर वी आर ड्रिंकिंग, द फूड वी आर ईटिंग, ऐसा दुनिया में लोग नहीं है, तो आई थिंक वो जो सांस आ रही है जो टोटली ब्लेस्ड, किसी ने कहा वुड यू वॉन्ट टू बी एल्विस प्रेसले, नॉट एट ऑल, ही इज डेड, आई एम स्टिल अलाइव, सो आई एम स्टिल अलाइव, तो इंशाल्लाह आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड, इवन मेहनत करी है की, बट कभी हमेशा ये सोचा कि यार अब्बू है ना तो सब आसान है, सो दैट इज ऑलवेज बीन देयर, सो माशाल्लाह ऑलवेज बीन गुड। ऑन एन एंडिंग नोट, आई वुड वॉन्ट कि आप हमारे यंगस्टर्स को जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई एडवाइस जो आप देना चाहें। डिफ़िकल्ट रहता है ये, बट क्योंकि लोग इतनी एडवाइस तो देते हैं, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ट्राई समथिंग न्यू, यू नो डोंट गो फॉर रन ऑफ द मिल कि मैं भी वही कपड़े बनाने का वो लगा लूँ या स्पिनिंग मिल लगा लूँ या ट्राई समथिंग न्यू, गो लुक, अब तो आपके पास पूरी दुनिया है आपके टैबलेट पे, आपके मोबाइल, टिप ऑफ योर फिंगर, हैव अ लुक, कोई शायद चीज समझ आए, गो फॉर दैट,
नहीं एक सक्सेस, यू वॉन्ट मीट इंस्टेंट सक्सेस बट इवेंचुअली यू गेट, यू विल गेट देयर. अगर हम सब एक ही फैक्ट्री पे लग जाएंगे तो वो फिर डाइवर्स, आप देखें ना, आप छोटे ऑस्ट्रिया जैसा मुल्क है उसमें 1,00,000 चीज़ें हो रही हैं. आपको पता है फ्लावर एक्सपोर्ट फ्रॉम हॉलैंड पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा, ओनली द ट्यूलिप दैट दे एक्सपोर्ट, इतना सा मुल्क है. तो वही मैं कह रहा हूँ, हमको जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो भी बच्चे काम करना चाहें, एक तो फेलियर से ना डरो यार, सेकेंडली ट्राई समथिंग न्यू, डू इट, इवन इफ यू ड्रीम ऑफ द मून यार, ड्रीम करने में कुछ नहीं, यू शुड हैव बिग ड्रीम्स. ये मत सोचना कभी कि यार हम भी बस यहीं थोड़ा सा काम कर लें, नहीं नहीं, आप सोचो कि हम चांद पे जाना है, तो आप चले जाओगे चांद, बट एटलीस्ट ड्रीम. तो हम लोगों की तो ड्रीम्स भी मार दी गई हैं, तो वो अब वी शुड गेट आउट ऑफ दिस, गो इन द ओपन एंड ड्रीम बिग. Dream big. I think that's a very motivating ending note. Thank you so much for taking ample time out for us. और बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करने का, इतना कुछ सीखने को मिला. और सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि आप जिन एस्पेक्ट्स पे अटेंशन दे रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू आपका, आपके चैनल का, एंड ऑल द पीपल हु आर हियर विद अस, थैंक यू सो मच. इट्स बीन अ प्लेजर, रियल प्लेजर. और जो आपका चैनल काम कर रहा है, आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ जो मैं कह रहा हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो दिस वॉज अ कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर नदीम उमर, अ ट्रू एपिटोमी ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन एंड अ पेट्रियट हु हैज टायरलेसली वर्क टू प्रमोट पाकिस्तानी स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट. फॉर मोर सच कॉन्वर्सेशंस, कीप ऑन वॉचिंग आवर शो मीट द सीईओ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान.